मॉर्निंग, टुडे इज संडे, और सुबह सुबह उठे हैं तो लाइट ऑफ है, लाइट ऑफ है जी। और कितने बजे आएगी किसी को कुछ पता नहीं है। तो लाइट ऑफ में आज मैंने क्या क्या करना है, मैंने सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी उठ जाऊँ और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। एक तो मेरा कमरा बहुत ही बिखरा हुआ है जिसको मैंने पूरे को क्लीन आज खुद करना है, और मुझे क्या करना है, और भी बहुत सारे काम करने थे, लेकिन लाइट ऑफ में लगता है कि सारे का सारा प्रोग्राम चले। नाश्ता बनाते हैं और देखते हैं फिर क्या करते हैं। नाश्ता भी कर चुकी हूँ और बच गया है तकरीबन कोई दिन का एक, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई। मैं इंतज़ार कर रही हूँ लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, ताकि उसके बाद जो है वो मैंने एक काम करना है। आज कौन सा काम करना है, मैंने अपना रूम डेकोरेट करना है भाई। बहुत सारे फूल उतारे हुए थे जिनको दोबारा से अरेंज करना है। लाइट आएगी तो कुछ होगा। अंधेरे पड़े में वो सिर्फ मेरा मोबाइल पड़ा है जिस पर टीवी चल रहा है और मैं देख रही हूँ। क्या करूँ यार, अगर मैंने आज सोच लिया है ना कि आज मैंने अपने सारे काम निपटा लेने हैं, संडे का बेहतरीन इस्तेमाल करना है, शाम को खुद को पार्टी देने के लिए बाहर भी जाना है, तो फिर लाइट आड़े आ गई है, लाइट मेरी दुश्मन बन गई है, कह रही है ना जी ना हो ही नहीं सकता, आप हड्डे आराम में रहें, आराम से सुकून से रेस्ट करें, संडे को पूरा दिन जो है वो बिस्तर पर चिपक के गुजार दें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मनसा भाई लाइट कब गई है? मनसा भाई फिर हंस रहे हैं, हंसने वाली कौन सी बात है? लाइट कब गई है? 12 बजे गई है। 12 बजे? और आएगी कब? पता है, एक घंटे में आ जाएगी। ओके, और मुझे लगा कि शायद ये सुबह 8-9 बजे वाली गई थी। 8-9 बजे वाली नहीं गई थी। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है कि थोड़ी देर में आ जाएगी, हो सकता है 1 घंटे में ही लाइट ऑफ हो। चले तब तक जो है वो कोई कोई चीज़ें उठाते हैं और उसके बाद जो है वो लाइट आ जाएगी, फिर पूरा मुकम्मल काम किया जाएगा। लाइट आ गई, लाइट आ गई जी, लाइट आ गई, लाइट आ गई। टाइम हो गया है तकरीबन कोई, ये देखिए जी, 1:30 बज गए, लाइट आ गई है। और यकीन जानिए एक कमरे में इतना सारा सामान एडजस्ट करना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन उसके बावजूद मैनेज करना पड़ता है भाई, मैनेज करना पड़ता है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है जी अपने रूम को थोड़ा सा डेकोरेट, फूल शूल से जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि करती क्या हूँ आखिर मैं, और किस तरह से आगाज होगा और फिर वो लगेगा कैसे मेरे साथ। रही है आ जाइए। तो ये जो मेरे पास इतने सारे मेरे फूल हैं, इनको अरेंज करने के लिए सबसे पहले चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए। और ये क्या है, ये सी फोम है जिसको हम समुद्री झाग भी कहते हैं, जिसके मैंने स्ट्रिप्स काटने हैं, उसके बाद इसको मैंने दीवार पे जोड़ने हैं, और उसके बाद जो है वो इन फूलों की सेटलमेंट अरेंजमेंट्स मैंने इसके ऊपर करनी है। इसको मैं कलर नहीं करूंगी क्योंकि मैंने एक बार इसको कलर करके स्प्रे किया था और ये सारी की सारी खराब हो गई थी, इसलिए मैं वाइटी लगा लूंगी और उसके बाद जो है ये फूल एक एक करके जब अरेंज करूंगी तो ये सारी की सारी छुप जाएगी। पहले भी मैंने लगाया हुआ था लेकिन उसके बाद जब ये वॉलपेपर लगाया तो उतार दिया। मैंने सोचा सुकून तो मुझे आता नहीं है, कुछ ना कुछ तो मैंने करना होता है, तो फिर सामने वाली वॉल पे लगा देते हैं बेड के ऊपर। दिखाती हूँ मैं आपको लगा के। लेकिन अभी जो है वो मैंने रखी हुई है जी नाइफ रखा हुआ है, मैंने जी नाइफ रखा हुआ था गर्म करने के लिए, क्योंकि ये अगर गर्म करके आराम से कट जाता है, अगर इसको वैसे काटा जाए तो ये बहुत काम खराब करता है। और अगर नाइफ गर्म करके ना काटा जाए ना तो फिर जितने भी इसके ये इस तरह के एक एक पीस निकलता है ना, ये यकीन जानिए पूरे कमरे में हर जगह पे फैल जाता है, और फिर इसको ठीक करना यानी इसको उठाना या फिर इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने ये नाइफ गर्म किया है, एक पीस मैंने काट लिया, मेरा ख्याल है बहुत होगा, बाकी पीस भी अभी काटते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा कट गया है, कोई बात नहीं, खैर है ऐसे ही मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। लीजिए ये सी फॉर्म की एक स्ट्रिप मैंने काटी है जो मुझसे थोड़ी सी, ये देखे जरा मुझसे टेढ़ी कट गई है। तो अब मैंने सोचा है कि इस पेपर और इस पेन की मदद से मैं स्ट्रेट लाइंस लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं इसको काट लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल सीधा सीधा कटे। मैंने पेपर और पेन की मदद से इसके ऊपर लाइंस लगा ली हैं क्योंकि पहले जो है वो मुझसे एक स्ट्रिप थोड़ी सी टेढ़ी कट गई है, लेकिन मैं उसको ऐसे इस्तेमाल कर लूंगी और मेरा ख्याल है कि ये बहुत होगी। ये एक है, 3 मुझको और चाहिए क्योंकि मैं इसको जो है वो स्क्वायर बनाऊंगी और फिर उसके ऊपर ये तमाम फूलों की अरेंजमेंट्स करूंगी। आज संडे है
और आज मेरे हॉस्टल में मेरी एक्टिविटी यही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। नाइफ गर्म हो गया, मैं अभी लेके आती हूँ जी। अगर आप मेरे इस आइडिया से घर में कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कि छुरी आपने वो वाली इस्तेमाल करनी है जो कि वाओ, ये बिल्कुल अच्छी कटी है यार, ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था। थोड़ी ठंडी हो गई है इसलिए थोड़ी सी मशरूम पेश आ रही है, तीन हो गई, फिर रख के आती हूँ भाई। ये तीन स्ट्रिप्स मैंने काट ली है इसकी और बस एक रह गई है। वो नाइफ जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया था और ठंडा जो है वो इसको नहीं काटेगा, बल्कि वो अच्छी तरह गर्म हो तो बिल्कुल स्मूथली ये कट जाता है। और मैं आपको क्या कहने वाली थी, हाँ, अगर आप भी मेरी ये वाली अरेंजमेंट्स देख के अपने घर में किसी तरह की कोई डेकोरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इसी फोम को काटने के लिए जो आपने घर का नाइफ इस्तेमाल करता है वो कोई पुराने वाला नाइफ ढूंढ लीजिएगा, वरना अम्मा से अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। क्योंकि जब हम नया नाइफ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने इसको हीटअप किया है, गर्म किया है, काट रही हूँ, इसके जो मुख्तलिफ इंग्रीडियंट्स हैं वो भी उसके ऊपर लग रहे हैं, दोबारा से जल रहे हैं, तो फिर वो नाइफ जो है वो दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो इसलिए जरा ख्याल से अम्मा की डांट से भी बच जाइएगा। उसके बाद मैंने इसको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चार स्ट्रिप्स हो गए, इनको अरेंज कहाँ पर करना है आ जाइए दिखाती हूँ। और ये वाले जो चारों स्ट्रिप्स है इसको मैंने दीवार पे अरेंज करना है। कहाँ पे लगाते हैं जी, कहाँ पे लगाते हैं? मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत रहेगा, यहाँ पे ठीक है, अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा और ऊपर कर दी, यहाँ पे भी लगा देते हैं, थोड़ा ऊपर वाला भी छुप जाएगा। और इनको मैंने जोड़ना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ, जुड़ेगा कैसे, ये जुड़ेगा। ये मेरे पास वाइट ग्लू है, ये लास्ट टाइम जब मैंने मंगवाया था तो ये ना एक शॉपर पैकेट में था, तो उसमें ये मतलब कि ड्राई हो सकता था अगर इसका ओपन वेजे तो भी ड्राई होता था, इसलिए फिर मैंने इसको इस डब्बे में डाल के संभाल लिया है। और अब जो है वो सबसे पहले मैं इस स्ट्रिप पे ग्लू लगाती हूँ, इस साइड पे लगा लेते हैं मेरा खाना, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पे ग्लू लगाती हूँ, भर भर के लगा लेंगे ताकि जो फूलों का वेट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप सबको घर डेकोरेट करना सिखा रही हूँ, जबकि मैं अपनी हॉस्टल की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि आज संडे है। और ये बहुत दिनों से काम पेंडिंग था, मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी। पहले मैंने सोचा कि चलो यार कर लेते हैं, लेकिन करते करते आज संडे आ गया, आज संडे है जी। आज मैंने कहा इसको बेहतरीन संडे का यूटिलाइज ऐसे ही करना चाहिए, बजाय इसके कि सारा दिन मैं सोती रहूं, उससे अच्छा है कि उठ के जरा काम कर लिया जाए। और जैसे मेरे रूम में थोड़ी सी भी कोई भी मैं तब्दीली करती हूँ ना, सेटिंग खैर यहाँ पे क्या चेंज करनी है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी मैं तब्दीली कर सकती हूँ करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, रूम में मेरा दिल भी लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जब बहुत देर तक चीजें एक जैसी बड़ी रहती है ना, फिर मैं इस कमरे से बोर हो जाती हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। लीजिए, मैंने भर भर के इसके ऊपर ग्लू लगा दी है और इसने इतनी आसानी से दीवार पे टिकना भी नहीं है, इसको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना वो मुझे इसको पुश करके रखना पड़ेगा, फिर इसने दीवार पे टिकना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है, क्योंकि थोड़ा भी ठंडा मौसम है, गर्मी नहीं है। तो ग्लू मैंने अच्छी तरह भर भर के लगा लिया है और ये मुझे लगता है कि आज ये जो मैं सारा काम कर रही हूँ ना, दिखाती हूँ आपको कहाँ लगना चाहिए इसको, बस यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी आ जाएगी और ये इधर तक अपनी अच्छे से बैठ के बिल्कुल ऊपर ये बन जाएगा, ओके। और नहीं 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 नहीं, एक और स्ट्रिप पे ग्लू लगाते हैं और उसके बाद जो है वो इसको भी जोड़ देते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, अगर लड़कियां जो है वो, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर अगर आप घर पे रहते हैं, तो आप अपने फारिक टाइम में क्या करते हैं। मैं तो फारिक टाइम में यही कुछ करती रहती हूँ। और बिल्कुल इसके पैरेलल लगाऊंगी, ये मेरी दो स्ट्रिप्स रह जाएगी, एक मुझे इसके ऊपर लगानी है और एक मुझे यहाँ पर लगानी है। अगर उस जगह पे आपका दिल लग रहा है, वहां पे आपके मतलब कि आपके मूड के मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक चीजें हैं, तो वहां पे टाइम आपका अच्छा गुजर जाता है। इसलिए
मैं तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, हालांकि मैंने कौन सा हॉस्टल में हमेशा रहना है, मैंने भी तो चले ही जाना है, लेकिन फिर भी जब तक यहाँ पर है तब तक कोशिश करते हैं वैसा माहौल बना लिया जाए जहाँ पर आपका दिल लगे घर से दूर। अभी लास्ट फुट है इसको मैंने यहाँ पर ढूंढा है। ये स्क्वायर बना है या ट्राइंगल बना है? ये स्क्वायर बना है या ट्राइंगल बना है? आई थिंक ये ट्राइंगल बना है, सॉरी ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिद्रा अमीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें। और अभी इसको जो है ना ये इतनी जल्दी ड्राई नहीं होगा, अगर मैं कोशिश करूंगी ना एक दो घंटे में भी इसके ऊपर फूल लगाने की, तो जैसे मैं इसके ऊपर फूल लगाऊंगी ये सारा का सारा मेरे ऊपर गिर जाएगा, क्योंकि ये जो ग्लू है ना ये तकरीबन कोई 12-14-15 घंटे या फिर एक दिन अगर आप इसको लगा के छोड़ देना फिर ये बहुत अच्छा स्टिकी हो जाती है और फिर ये फूल नीचे नहीं गिरेगा। अगर आज भी शाम तक मैं इसको मतलब फूल लगाने की कोशिश करूंगी ना, ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट टाइम मुझे बहुत जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी अरेंजमेंट्स कर लूँगी फूल लग के कैसे लगते हैं, जब मैंने लगाया तो वो सारे का सारा मवाद जो है वो मेरे ऊपर आ पड़ा, जिसकी वजह से फिर मैंने फूल निकाले, फिर दोबारा से उसको अरेंज किया, एक दिन दिया, उसके बाद मैंने दोबारा सेटलमेंट की। चले उतनी देर फूल कौन से लगाने हैं उसको अलग अलग कर लेते हैं। दीवार पर अरेंजमेंट्स मैंने कर दी हैं और अब इंतजार किया जो अलका जी उसके ड्राई होने का, लेकिन जब तक के लिए मेरे पास एक और काम है। ये जितने भी मैंने फूल वॉश करवाए हैं उतनी देर मैं इसको सबको अलग अलग कर लेती हूँ, क्योंकि ये मुख्तलिफ टाइप्स के जो है वो फूल हैं और ये बिल्कुल बंचेस थे जिनको मैंने एक एक करके जो है वो फ्लास्क के साथ काटा था। और बिल्कुल जैसे हम मार्केट में ये बंच खरीदते हैं ना, कहीं आप देख के यही ना परेशान हो जाए कि शायद ये एक एक फूल हम कहाँ से खरीद के लाएंगे, ये पूरी की पूरी बंचेस ही होती हैं जिसको मैंने प्लास के साथ उसकी एक एक टहनी की तरह काट लिया था। चलें जी, सबसे पहले ये जितने भी मेरे ये वाले फूल हैं इनको मैंने अलग से कर लेना है, अलग करके रखते हैं ताकि फिर जब मैं अरेंजमेंट्स करूंगी ना तो मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है, लुक 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 लुक। ठीक है, ये जो मैंने अरेंजमेंट्स करने हैं, एक तो मेरे पास इसमें ये गुलाब है और आप अपनी मर्जी से कोई भी फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने भी करना है मैं साथ साथ आपको टिप्स भी देती रहती हूँ। ठीक है, ये गुलाब बस इतने ही हैं, इनको मैं बास्केट भी मैंने पास रखी हुई है कि लगा के साइड पर रख लेते हैं ताकि जब मैं अरेंज करूंगी तो फौरन उठाकर साथ साथ अरेंज करती रहूंगी और मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके साथ जो है ना ये एक डिफरेंट टाइप के फूल है जिनके लाइट एंड डार्क कलर्स हैं, अब इनको अलग से कर देते हैं। ये सब हो गए, इनको भी अब मैं इधर रख लेती हूँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो मैंने ग्रीन लीव्स लगाए हुए थे ना, ये भी मैंने कोई 2-3-4 तरह के लगाए हुए थे, ये देखें, ये अब मैंने एक तरह के जो है वो निकाल के साइड में कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना होना कि अगर इस जमघट्टे में से निकाल के लगाना शुरू करूंगी ना तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने जो पूरी सेटिंग की है उसके ऊपर सब के ऊपर एक जैसे आए हैं या नहीं आए, तो इसलिए बेहतर है कि मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ और पहले इसको मैनेज कर लूँ। ये देखें जी, एक लीव्स ये है जिनको मैं अलग कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद आए थे सारे। वैसे ऐसा हुआ था कि जब मैंने ये वाली अरेंजमेंट्स बनाई थी ना तो मेरे पास जितने एक्स्ट्रा फूल थे वो भी मैंने बीच में कहीं कहीं लगा दिए थे कि सारे का सारा अच्छे से फिलअप हो जाए। ये देखिए, ये फायदा हो जाएगा, पहले ऐसे बड़े हुए थे ना तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, लेकिन अभी जब मैंने इन सबको अलग अलग से किया है तो चीजें आसान हो जाएंगी। ये देखिए जी, ये देखिए, लीजिए सारे मेरे फ्लावर्स अरेंज कर लिए हैं, बल्कि एक साइड पे कर लिए हैं जो मुझे जैसे जैसे भी लगाने हैं। ये ग्रीन लीव्स हैं, इनको हम इसके साथ रख देते हैं, एक बास्केट फ्री कर लेती हूँ क्योंकि मुझे उसके अंदर अभी कुछ और काम भी करना है। और ये वाले सारे जो है इनको उठा के मैं यहाँ पर ले जाए, ये सारे मैंने अलग अलग कर लिए हैं, सारे जो लीव्स हैं वो साइड पे आ गए हैं, फ्लावर एक साइड पे आ गए हैं, दूसरी टाइप के फ्लावर एक साइड पे आ गए। अब जब मैं इसको अरेंज करूंगी तो मेरे साथ बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। इस बास्केट को रख देते हैं हम यहाँ पर।
आज का काम मैंने मुकम्मल कर लिया है क्योंकि आज का सिर्फ इतना ही काम था, और ये जो फ्लावर अरेंजमेंट्स है ये मुझे कल करना होंगे, कल करूंगी इंशाल्लाह 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 कल ही करूंगी, क्योंकि अभी 24 घंटे तो देना पड़ेंगे जी इसको जो मैंने लगाया है, उससे पहले अगर लगाऊंगी तो फिर ठा 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 हो जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि व्लॉग को एंड करते हैं, आज के लिए इतना काम बहुत है। वो जो मैं फ्लावर अरेंजमेंट्स करूंगी उसका मैं एक अलग से पूरा व्लॉग बना दूंगी, पूरा आपको दिखाऊंगी कि कितना टाइम लगा है, घड़ी से टाइम नोट करके आपको दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी जल्दी चुटकी बजा के मैं सारे के सारे अरेंजमेंट्स कर लूंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।